दो सेनेटर्स कौन है जो इनकी तरफ जा रहे हैं? नाम अभी आ जाएंगे, एक तो जेल में जरका है, दूसरा फैसल सलीम साहब। मुस्तरद आपने कर दिया तो आप दोबारा टाइम मांग रहे हैं कि बानी भी टीआई से मिलेंगे? नहीं, हमने किसी चीज को तो मुस्तरद नहीं किया। हमने अहमद खान कहते हैं, अली मोहम्मद खान कह रहे हैं कि मुस्तरद करते हैं। नहीं, वो हमने ये कहा है कि देखो जो ड्रॉप हमारे पास आई, हम कह रहे हैं हमारे पास उस पर इत्तेफाक राय नहीं हुआ, उसमें मुस्तरद करने की कोई चीज नहीं। बिल्कुल सर, पीटीआई के जो सेनेटर्स हैं या एमएलए हैं महफूज हैं, क्या समझते हैं? देखो हमारे कुछ दो सेनेटर्स इनके तरफ हैं जिसका हम शदीद मुज़म्मत करते हैं, कंडम करते हैं, और दो नाम अभी आपके सामने आ जाएगा जिसकी हम मुज़म्मत करते हैं। और अगर लोगों को ऐसे उठाना है, मैं कहता हूँ ये जमहूरियत नहीं है, ये शेम डेमोक्रेसी है। इसी तरह अगर आपने लोगों को जाना है तो फिर वज़ीर आज़म की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर मेजॉरिटी पार्टी के वोटों को उठा लें और माइनॉरिटी की हुकूमतें बनवा लें। अगर इसकी तरह देते हैं, मैं समझता हूँ ये बेज़मीरी की जो T20 मैच है, ये वर्ल्ड कप की खबर आ रही है, पार्लियामेंट को खरीदने की या उस कोशिश की गई? देखो फ्लोर ऑफ दी हाउस उन्हें बजोरे ताकत रोकेंगे, कोई ऐसी अभी है नहीं। देखे जो पार्लियामान के हमारे नुमाइंदगान हैं वो हमारे पार्लियामान में आएंगे और हम तवक्को करते हैं हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह ताला, हमारे पास जितने हैं। लेकिन एक दो जो आगे जिसने हमने जिक्र किया कि ये लोग उनकी तरफ गए, चाहे वो पैसे से गए, चाहे वो प्रेशर से गए, जिस भी तरीका हथकंडा इस्तेमाल हुआ है, हम उस सब की मुजम्मत करते हैं ये जमहूरियत की रूह के खिलाफ। देखिए मौलाना साहब के हमारा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है और मौलाना साहब को खान साहब ने अप्रिशिएट किया है, हम भी अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, जिस तरीके से उन्होंने हमारे साथ बैक एंड फोर्थ मीटिंग्स की है, यही होता है डेमोक्रेसी में, आप एक दूसरे के साथ मिल बैठते हो। एक मिनट ये करूँगा, सब ये कहता हूँ ये बिल्कुल गलत, जिसने भी ये कहा है खान साहब गुस्सा थे, ये थे और कोई लफ्ज, एक लफ्ज बिल्कुल, ये सारा के सारा की कॉल भी नहीं, इत्तेजाज की कॉल नहीं, नहीं नहीं ऑब्वियसली नहीं। और कभी भी हम पांच बंदे थे, मैं, आसद केसर साहब, सलमान राजा, अली जफर साहब और हामिद रजा साहब, ये बिल्कुल गलत, इत्तेजाज की कॉल दिया खान साहब ने, ये आज नहीं। देखे जो लोग मुखालिफिन है, जो लोग है जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, जो लोग डिस्ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, जो डिसइंफॉर्मेशन करते हैं, ये उनकी कंपेन का हिस्सा। अच्छा पीटीआई के, एक सेकंड, पीटीआई के स्पोक्समैन है अभी, उन्होंने एक सेकंड, उन्होंने कहा है कि 99% मुसद्दा हमारा है और इस पे एग्री हो गए हैं, अगर पीटीआई इस पे वोट नहीं करेगी, मैं ना मानने वाली पॉलिसी अपनाएगी तो ये अच्छा अमल नहीं होगा, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए असलम गौरी है उनके, सर बात दरअसल ये कि उनकी अपनी पार्टी है, हमारी अपनी पार्टी है, हमारा अपना एक स्टैंडिंग है और हमारी अपनी एक स्टेक हमने लिया हुआ है। अदलिया के इंडिपेंडेंस को हम किस नज़र से देखते हैं, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट है। कोई चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आप इत्तेफाक नहीं कर सकते थे, कोई चीज़ें ऐसी छोटी मोटी होती हैं जिस पे आप इत्तेफाक कर लेते हैं। इन्वायरमेंट का क्या है, रिबा का क्या, ये ऐसी चीज़ें जिस पे बड़े आसानी से लोग इत्तेफाक करते हैं। आल दो ये हमने सारा जितना भी उनके साथ और हुकूमत के साथ कमेटी में भी बैठे, ये विदाउट हमारे रिजर्वेशंस था कि ये जो लोग बैठे हुए, ये तो 547 के, इनके पास तो ये इस्तेकाक ही नहीं है कि ये मूव करें, लेकिन इसके बावजूद हमने उनको मौका नहीं दिया। हवाले से बताइएगा, जितने भी अरकान आए हैं उन्होंने कहा ये सब झूठ है और अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट है उनकी जानिब से, खान साहब के 15 महीने से ज्यादा जेल में हो गए, हम पहले क्यों नहीं कहते जो हकीकत है वो कहते हैं और हकीकत ही हमने बयान। इसका मतलब है पहले उन्हें फैसिलिटीज मिल रही थी? नहीं देखो पहले ही फैसिलिटीज, खान साहब का मैं एक काम है, खान साहब कभी भी अपने केस जात का जिक्र नहीं कर रहे, वो कहते हैं आवाम की तवज्जो हट जाएंगे, जो कभी भी खान साहब ने नहीं किया मुझे कोई फैसिलिटी दे दे, खान साहब को कोई भी फैसिलिटी बेटर क्लास की नहीं मिली है कभी भी। कौन है जो उनकी तरफ जा रहे हैं?